नगर निगम के लाख प्रयासों के बाद भी सड़कों पर घूम रहे छुट्टा पशुओं पर लगाम नहीं लग रहा है। गोरखपुर की हृदय स्थलीय कहे जाने वाले गोलघर की सड़कों पर छुट्टा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। इसके अलावा महानगर के अन्य स्थानों पर भी छुट्टा पशुओं का विचरण देखा जा सकता है। गौरतलब है कि छुट्टा और निराश्रित पशुओं के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ पशुपालक अपने पशुओं को सड़क पर छोड़ देते हैं, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने बताया कि कुछ जगहों पर समस्या बनी है, जिसको दूर करने के लिए जन सहभागिता की जरूरत है, हमें और प्रयास करने की जरूरत है। मंडलायुक्त ने कहा कि पशुपालकों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे नहीं माने तो जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा, बावजूद अगर गायों का जमावड़ा लगा है, ट्रैकिंग भी नहीं, ये मैं हम मानते हैं कि ये अभी भी समस्या कुछ जगह पर देखी गई है। इनफैक्ट मैं जब आ रहा था तो मैंने भी देखा एक दो जगह गोवंश थे, इसमें देखिए कई गोपालकों के भी हैं। और ये जैसा कि मैंने बार बार एक शब्द का प्रयोग किया है, जन सहभागिता, ये इतना बड़ा आंदोलन है जिसमें गोवंश को संरक्षण किया जाना है, ये जन सहभागिता के बिना हो नहीं पाएगा। और इसलिए ये एक प्रयास किया गया है कि जिसमें हम जनता से जुड़ें और जनता को ये संदेश दें। और हमारे कई कम से कम इस मंडल में कम से कम हमारे पशुपालन विभाग की तरफ से 5 और नए स्थल बनाए जा रहे हैं, और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जितने गोवंश विचरण कर रहे हैं, निराश्रित गोवंश जितने विचरण कर रहे हैं, उनको हम जो है और देखभाल कर सकें, उनको इन संरक्षण केंद्रों पर ला सकें और उनका देखभाल कर सकें। तो मैं मानता हूँ कि हमें और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, पशुपालकों के लिए जो जुर्माना की बात हुई थी, कोई जुर्माना नहीं है और खुलेआम अपने पशुओं को सड़कों पर? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। नगर निगम एरिया में कुछ कई गोपालकों पर हमने जुर्माना लगाया है, लेकिन अभी पहले अवसर पर हम गोपालकों को चेतावनी दे रहे हैं और सेकेंड अवसर पर हम बिल्कुल जुर्माना लगाएंगे और इसको बहुत ही दृढ़ता के साथ लागू करेंगे।